What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL, let's make some classic cheese balls. तो चीज़ बॉल्स की रेसिपी बचपन से ही खाते आ रहे हैं और बहुत ही डिलिशियस लगती है। आज के वीडियो में आपको मैं चीज़ बॉल्स बनाने के लिए जो ब्रेड क्रम्स लगते हैं वो भी बताने वाला हूँ कि घर पर ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद उससे चीज़ बॉल्स बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनने वाले एकदम परफेक्ट डिलिशियस चीज़ बॉल्स। और साथ ही में मैं एक डिपिंग सॉस बताऊँगा मेयो वाली जो चीज़ बॉल्स के साथ सर्व करते हैं तो बहुत ही डिलिशियस लगती है। ये सारी चीज़ें फटाफट बन जाएगी, लेट्स डू दिस। बॉल्स की फिलिंग रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने खाली प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ किया है क्योंकि मुझे पर्सनली मोज़रेला चीज़ नहीं पसंद आता है चीज़ बॉल्स में। अगर आपको चीज़ पुल चाहिए तो आप मोज़रेला चीज़ डाल सकते हो प्रोसेस्ड चीज़ के साथ हाफ एंड हाफ क्वांटिटीज़ में, तो आपको चीज़ पुल मिल जाएगा। मुझे ऐसी पसंद है और जो क्वांटिटीज़ का रेशियो है उसमें आपको वो आलू वाली फीलिंग नहीं आएगी खाने में चीज़ बॉल की, प्रॉपर चीज़ बॉल खा रहे हो ऐसी लगेगा, तो ऐसी ही क्वांटिटीज़ को मेंटेन करना। मैंने आपको ब्रेड क्रम्स भी सिखा दिया है कैसे घर पे बनाने हैं, तो आप अंदर बाइंडिंग के लिए और बाहर कोटिंग के लिए भी घर पे आसानी से ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। अगर आपको घर पे नहीं बनाने हैं, बाज़ार वाले आपके पास हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चीज़ बॉल्स को शेप कर लेना है, फिर एक स्लरी के अंदर डिप करके इसको कोट करेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे, वो वाले स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ बॉल्स की रेसिपी रेडी है और एकदम क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी और सॉफ्ट बने, बहुत डिलिशियस लगती है ये वाली रेसिपी। साथ में ज़रूर ये डिपिंग सॉस बनाना, उसके साथ चीज़ बॉल्स को खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। बचपन में जो भी शादी में जाते थे तभी चीज़ बॉल्स मिलते ही मिलते थे, तो आपकी चीज़ बॉल्स के साथ कौन सी मेमोरीज हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। आप ये चीज़ बॉल्स को तैयार करके शेप करके फ्रिज में रख सकते हो और बाद में भी इन्हें फ्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और बाद में फ्राई कीजिए तो भी आप इजीली इन्हें फ्राई करके सर्व कर सकते हो। ज़रूर ट्राई करने रेसिपी घर पर, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो,
subscribe and follow to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this YFL recipe. Cheers.